गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ RBSC इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक है आप लोगों का चैप्टर नंबर, टॉपिक क्या, हम लोग चैप्टर नंबर 35 को स्टार्ट कर रहे हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं, आई बात समझ में, यानी जो आप लोगों के मेंडल हैं, मेंडल बेटा किस किस ब्याह पर उन्होंने किस तरीके से वर्क किया और उनके कौन कौन से लॉज उन्होंने दिए, कौन कौन से लॉज में उन लोगों ने किस किस बेस के ऊपर वर्क किया, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिकली हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं आप लोगों को केवल बुक की वीडियो बना के भेज रहा हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा आनुवंशिकता, यानी कि वो करेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। हाँ, इट इज़ वेल नोन दैट मैंगो ट्री, अच्छा ये हम लोग जानते हैं कि जो मैंगो ट्री है भाई, आम का पेड़ है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेशन ऑफ सीड्स। ठीक है भाई, आम के बीज से आम का पेड़ बनेगा, और पपीज बनते हैं किससे, डॉग से, यानी कि कुत्ता जो है किसको जन्म देता है भाई, अपने पिल्लों को जन्म देता है। ह्यूमन गिव बर्थ टू ह्यूमन, और मनुष्य क्या है, अपने बच्चों को जन्म देता है। दिस टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग भाई, ये प्रवृत्ति ऑफस्प्रिंग इन विच दे एक्वायर द फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि वो टेंडेंसी जिसमें कोई भी जो आप लोगों का, आप लोगों के पास में कोई भी पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, वो हेरिडिटी मतलब अपने अपने बच्चों को, नए बच्चों को उत्पन्न करता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। द साइंस विच इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वो साइंस जो कि ध्यान जो कि डील करती है कैसे हेरिडिटी से और वेरिएशंस अमंग द पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग के बीच में वेरिएशंस के बारे में, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, जेनेटिक्स बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ऑल्सो प्रोवाइड द आंसर, जेनेटिक्स जो है वो एक उत्तर देती है ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की, Why the two offsprings are of same parents are second are seem to be different? भाई उसमें काफ़ी क्वेश्चन आता है भाई, क्या क्वेश्चन आता है कि भाई जो दो दो बच्चे हैं, यानी कि जिनके माँ बाप एक हैं, वो दोनों बच्चे शक्ल सूरत में अलग अलग कैसे हैं। ठीक है, आई बात समझ में, Why some parents या persons have black colored skin? भाई कुछ लोग जो हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो स्किन है वो डार्क रंग की, और किसी की स्किन क्या है, फेयर कलर की है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों की हम लोग बात करें, वाई द वेरिएशंस इज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, यानी कि एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से वेरिएशंस पाई जाती है। वेन एवर ए बेबी इज बॉर्न इन एनी फैमिली, भाई किसी भी परिवार में कोई बच्चा जब जन्म लेता है, देन द रिलेटिव मैच द आइज, ठीक है ना, तो भाई लोगों की होती है जो आंखें मैच करते हैं, नो शेप नाक के शेप, ठीक है ना, कलर और कलर हेयर कलर वगैरह से, तो उनकी क्या है वो, किसका अंदाजा लगाते हैं, माँ का, पिता का, सिबलिंग्स यानी कि उसके जो सगे भाई बहन हैं उनका, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी का, सिबलिंग्स का, ओके, तो इन सब के बारे में पता लगता है। और अब ये क्या कह रहा है, जनरेशन वाइज यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स है फ्रॉम पेरेंट्स, द मेन रीजन ऑफ सच टाइप ऑफ सिमिलरिटीज इज द वेरिएशन। अब ये क्या कह रहा है कि भाई वो नॉर्मली पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण तो आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग जो कैरेक्टर आ रहा है वो किसके कारण हो सकता है बेटा, उसका कारण मेन रीजन है क्या, वेरिएशंस, ठीक है ना। अब देखो, द साइंस ऑफ जेनेटिक्स वाज स्टार्टेड इन 1900, यानी कि 1900 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी, व्हेन द मेंडल्स लॉ वाज रीडिस्कवर्ड, यानी कि जब मेंडल के लॉ जो है वो रीडिस्कवर किए गए थे, लेकिन उससे पहले मेंडल ने बेटा दे दिया था अपना लॉज, ठीक है ना। द वर्ड जेनेटिक वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय द विलियम बैटसन, सबसे पहले इस वर्ड को कैसे यूज किया था विलियम बैटसन ने 1905 में, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू बिकम और टू ग्रो, भाई जेनेटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिकम, बनाना और ग्रो करना। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस आर स्टडीड इन द साइंस, ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशंस जो होते हैं उनको साइंस में पढ़ा जाता है, क्लियर है। आर इंटेंशन फॉर द हेरिडिटी रेफर टू दोज ट्रेट्स, अच्छा हमारा जो मेन इंटेंशन है, मेन जो हमारा ध्यान है हेरिडिटी के लिए, वो उन चीज़ों को बेटा याद में रखने के लिए किया जाता है, दोज ट्रेट्स फॉर द कैरेक्टर्स विच आर कंटिन्यूसली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि ये उन लक्षणों के लिए आता है जो कि कंटिन्यूसली ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, ठीक है, ठीक है, और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दीज कैरेक्टर्स आर फिक्स्ड, ये कैरेक्टर जो है फिक्स होते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर एनिमल, ठीक है भाई, पर्टिकुलर एनिमल के लिए के लिए भी फिक्स होते हैं। जेनेटिकली वेरिएशंस आर डेवलप थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई जेनेटिकली जो वेरिएशंस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते जनरेट होते हैं, एंड म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिज्म, और किसके कारण आते हैं, म्यूटेशन चेंज के कारण आते हैं, दीज वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, अब ये जो विभिन्नताएं हैं ये इनहेरिटेड है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से निकलते हैं ऑफस्प्रिंग में आती है, सिमिलरली साथ साथ साइमल्टेनियसली एनवायरमेंटल वेरिएशंस जो होते हैं आर दोज विच आर कॉज्ड बाय एनवायरमेंट, ठीक है ना, ये वो वेरिएशंस हैं जो कि
कॉज यानी कि जो क्रिएट किए जाते हैं बाय एनवायरनमेंट, हैंस दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है ना, और ये क्या है, ट्रांसमिटेड नहीं होते पेरेंट्स से टू द ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स इज एस्टैब्लिश्ड विद द मेंडल वर्क, जेनेटिक्स जो है वो एस्टैब्लिश होते हैं मेंडल के वर्क से। सो हियर वी विल स्टडी द बायोग्राफी, तो हम लोग क्या करते हैं बायोग्राफी को स्टडी करते हैं, एंड वर्क इन द ब्रीफ, ठीक है ना, बाय द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स वर्क एंड कंसिडर एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी मेंडल ने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में लिया दिया और उसकी बायोग्राफी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, तो इसलिए इस मेंडल को क्या नाम दिया गया बेटा, मेंडल को नाम दिया गया नॉर्मली क्या नाम दिया गया, वो नाम दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल ने काम किया था तो हम लोग उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, भाई मेंडल जेनेटिक्स जो थी और वो जॉन ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर थी, उसको आप लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हो। ही वॉज बॉर्न, वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था मॉर्विया में, ठीक है ना, जो आपका है चेकोस्लाविया के अंदर है, ठीक है, एक पुअर फैमिली में था। कंप्लीटेड, उसने अपने 2 साल का कोर्स किया 1842 में फिलोसॉफी के अंदर, एंड स्टार्टेड वर्क टू 1843 में बेटा उसने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, किस में काम करना, ब्रूनो सिटी में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर एक चर्च में पादरी के रूप में उसने काम करना स्टार्ट किया, जो अभी कहा है चेकोस्लाविया में, और वहाँ पर उसे ग्रेगर का उपाधि मिली थी, ठीक है ना। आफ्टर दिस, उसके बाद में मेंडल वाज वेंट टू वियना, मेंडल वेंट वियना चला गया और जहाँ पर उसने मटर के पौधे पर काम किया, ठीक है ना, ठीक है, और जिस वहाँ पर उसने क्या है मैथमेटिक्स में और नेचुरल हिस्ट्री के अंदर डिग्री ली, ठीक है, 3 साल की, ठीक है, और उसने अपना काम किया मटर के पौधे पर ब्रूनो सिटी के अंदर, ठीक है, और एक सबसे पहले उन्होंने क्या किया वहाँ पर एक टीचर की तरह, यानी कि एक टीचर की तरह मॉडल स्कूल में एक टीचर की तरह काम किया। ड्यूरिंग दिस टीचिंग पीरियड, उसने 8 साल के जो टीचिंग पीरियड था उसमें अपने इंपॉर्टेंट 8 साल इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को दिए, और इस बेस के ऊपर उसने क्या किया अलग अलग कंसेप्ट दिए किसके, जेनेटिक्स के, ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट दिए किसके, जेनेटिक्स के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द यूनिट्स आर इनहेरिटेड इन इक्वल नंबर ऑफ फ्रॉम द ईच पेरेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी, ठीक है ना। उसने क्या कहा कि भाई काफ़ी यूनिट ऐसी हैं जो ट्रांसफर होती हैं इक्वली, ठीक है ना, क्लियर क्लियर है ना बेटा, ओके। अब फ्रॉम द 8 फरवरी, अगर 8 फरवरी की बात करें से 8 मार्च के बीच के अंदर 1865 में मेंडल ने अपना बेटा 1 साल के अंदर उन्होंने क्या किया सारा जो काम किया वो उसमें 1 महीने में उसने क्या किया अपने ब्रून सोसाइटी के आगे अपना काम रख दिया बेटा, ठीक है, ओके। लेकिन अब भाई उसने क्या किया 30,000 मटर के पौधों के ऊपर वर्क किया था, क्लियर है, और 1866 में उसने अपनी पब्लिश कराई अपने एक्सपेरिमेंट को किस रिसर्च वर्क के अंदर, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के शीर्षक के द्वारा, टाइटल उसने ये दिया, ठीक है, और उनके एनुअल मैगजीन में क्या किए थे किस कर दी, और उसके जो नॉर्मली जो पेपर था पब्लिश हुआ था वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर हुआ, अंडरलाइन करते ना बेटा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करें, द लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉस ऑफ हेरिडिटी वर फ्रेम विच आर डोन एज मेटरिज्म। अच्छा, अब मेंडल ने काम किया, काम करने के बाद उसने क्या किया कि नॉर्मली जो उसके लॉस थे वो क्या है, वो लॉ ऑफ हेरिडिटी के नाम से है, ठीक है ना। मेंडल ने अपना वर्क किया और उसके वर्क को बेटा 34 साल बाद ह्यूगो डी व्रीस, ठीक है, जो हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे, और इनवर्क टशमाक ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने रिडिस्कवर किया और उसके ऊपर वर्क किया, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने क्यों मटर के पौधे को चुना, तो सबसे पहला कारण भाई वो आसानी से ग्रो कर सकता है गार्डन में, ठीक है, उसका लाइफ स्पान है बहुत छोटा है, जीवन अवधि बहुत छोटी है, यानी कि 1 साल के अंदर अपना पूरा जीवन अवधि कर सकते हैं और काफ़ी आप लोग पीढ़ियाँ ले सकते हैं उसकी, ठीक है ना। और उसके फ्लावर जो बाइसेक्सुअल थे और वो सेल्फ पोलिनेटेड, ठीक है ना, क्लियर है, और क्रॉस पोलिनेशन हो सकता था, और मेनली जो है उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग होता है बट अपोजिट ट्रेट्स जो है वो देखने को मिलते थे, ठीक है, पी प्लांट के अंदर, क्लियर है। अब अगला आता है सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इसे आप लोग नेक्स्ट लेंगे बाद में, ठीक है, क्लियर है।